हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम्स कॉर्नर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन कुर्ती सेट एंड साड़ी हॉल वीडियो। और इसमें सिर्फ एक ही साड़ी है, बाकी सारी कुर्तियां हैं। तो ये सारी कुर्ती या फिर ये साड़ी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये अगर आप बाहर कहीं जाने वाले किटी पार्टी के लिए या फिर अपने फ्रेंड से मिलने कहीं जा रहे हैं या फिर शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उस पर्पज के लिए जो सारी कुर्तियां या फिर ये साड़ी है ये एकदम परफेक्ट रहेगी। एंड आपको पता भी होगा कि अभी अमेजोन पर चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें आपको हर एक प्रोडक्ट पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ब्यूटी, फैशन, किसी भी तरह के प्रोडक्ट। सो आपको हर एक प्रोडक्ट पर अच्छे खासे डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने भी काफी सारी शॉपिंग कर ली है और वही मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए हैं। तो इस सेल का फायदा आप जरूर उठाएं। और ये जितने भी कुर्ती या फिर ये साड़ी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये काफी प्यारे कलर्स में है और ये रेयन फैब्रिक में है और शिफोन फैब्रिक की साड़ी है। तो आप इसे हर सीजन में कंफर्टेबली पहन पाएंगे, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कुर्ती या फिर ये साड़ी पसंद आती है, तो इन सबका जो लिंक है, सिंगल सिंगल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और एक सिंगल लिंक मिलेगा माई होल स्टोर के नाम से, उस पर आपको आज की सारी कलेक्शन देखने को मिल जाएगी। जो भी आपको इनमें से चीज पसंद आती है उस पर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट आपको अमेजोन की साइट पर ले जाएगा, उसके बाद आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा एंड आप वीडियो देख सकेंगे। तो अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक ही साड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी ही दिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही प्यारे से ग्रीन कलर की साड़ी है, ये देख सकते हैं। ये शिफोन फैब्रिक की साड़ी है, तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और ये वुमनिस्टा ब्रांड से है। और इस ब्रांड की साड़ी काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है और उनका फैब्रिक भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और ये काफी ज्यादा काम आने वाला भी है। ये बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक का नहीं है, जो किसी भी काम का नहीं होता है। ये इस तरह के फूशिया पिंक कलर में वेलवेट फैब्रिक का ब्लाउज पीस है और ये काफी अच्छी क्वालिटी का वेलवेट फैब्रिक इन्होंने दिया है। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी इस साड़ी में, क्योंकि हमेशा ज्यादातर जो ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है वो होता है बेंगलोरी सिल्क फैब्रिक, और जिसे कोई भी आई थिंक नहीं स्टिच करवाता होगा, बट ये आपके काम आने वाला है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है साड़ी और ऑल ओवर साड़ी में आपको ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट मिल जाता है। देखिए इस तरह से बेल बनी हुई है, ये देखिए। और इस साड़ी के पल्लू में एंड बॉटम में आपको कुछ इस तरह की मोती वाली लेस मिल जाती है। ये ऑल ओवर साड़ी में दी गई है नीचे की तरफ, और यही लेस आपको पल्लू में भी मिल जाएगी। बाकी ऑल ओवर साड़ी कुछ इसी तरह के फ्लावर प्रिंट की है, ये देखिए। उसका कलर एंड इस पे जो ये प्रिंट किया गया है वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है और इजिली ड्रेप भी हो जाती है, तो इसे पहनने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये 5.5 मीटर की साड़ी है और इसके साथ जो आपको ब्लाउज पीस मिल रहा है वो है 0.80 सेंटीमीटर का। और इस साड़ी की लेंथ एंड विड्थ एकदम परफेक्ट रहेगी। अगर आपके हाइट 5'5" या 6" तक भी है तो भी ये साड़ी आपको एकदम परफेक्ट आएगी। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई इसके कलर की वजह से, और इसके प्रिंट एंड इसके फैब्रिक सभी कुछ इस साड़ी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इस तरह की लाइट वेट साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा। और ये कुछ इस तरह की साड़ी है कि इसे हर एज ग्रुप आसानी से पहन सकता है। और सबसे ज्यादा इस साड़ी का मुझे ब्लाउज पीस अच्छा लगा है, एंड दिस साड़ी वॉज 4 रुपीज ओनली 7.99। तो अगर आपको ये साड़ी पसंद आती है तो इसे बाय करने में आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेल में प्रोडक्ट बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके आपके सामने प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा आपकी बार काफी ज्यादा बार हुआ है। क्योंकि इस
सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ती। जो नेक्स्ट कुर्ती है बहुत ही प्यारे फूशा पिंक कलर की कुर्ती है। ये देखिए कुछ इस तरह की ए लाइन की कुर्ती है। ये कुर्ती का ट्राई मैं पहले ही कर चुकी हूँ और इसका फैब्रिक, इसका फ्लेयर सब कुछ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड दिस कुर्ती इज फ्रॉम ब्रांड वस्त्र मेनिया और इसमें मेरा साइज लार्ज है और ये मुझे एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है। एकदम कंफर्टेबल फिटिंग है इसकी, तो मुझे इसकी फिटिंग एंड इसका जो फैब्रिक है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का रेयन फैब्रिक है। तो इस ब्रांड की कुर्ती मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है, कंफर्टेबल होती है, फैब्रिक भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। और इसमें आपको कुछ इस तरह के मैंडेन कॉलर के साथ ये नेकलाइन मिल जाती है और इसके नीचे आपको ये बटन्स के प्लेकेट मिल जाती है जो ओपनेबल नहीं है। ये सिर्फ शो पर्पस के लिए लगाए गए हैं और ये ब्लैक कलर के हैं। ये फैब्रिक है एक्चुअली में बटन्स के ऊपर। बाकी इस ऑल ओवर कुर्ती में आपको ये फ्लैट प्रिंट मिल जाता है, ये गोल्डन फॉल प्रिंट है और इसमें आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती है। ये ए लाइन की कुर्ती नहीं, ये कली वाली कुर्ती है, तो इसका फ्लेयर इसी वजह से काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे पहले लगा था ये ए लाइन की कुर्ती है, बट ये कली वाली कुर्ती है और इसमें आपको नीचे से अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाता है। और क्योंकि ये रेयन फैब्रिक में है तो इसका फॉल एंड फ्लेयर काफी ज्यादा प्यारा लगता है। एंड ये कुर्ती मुझे आ रही काफी लेंथ तक की और इस तरह की लेंथ की अनारकली कुर्तियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, तो आप इसे विदाउट स्लिप भी कंफर्टेबली पहन पाएंगे। और इस कुर्ती की फिटिंग एंड इसके फैब्रिक की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, उसके अकॉर्डिंग ये कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगी है। तो ये कुर्ती मुझे मिल गई थी 550 के अराउंड। बाकी जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा वो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये थी कुछ इस तरह की प्यारी सी फूशा पिंक कलर की अनारकली कुर्ती। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ जो विद दुपट्टा आती है और ये भी सेम इसी ब्रांड की कुर्ती है और ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो इस कुर्ती का कलर एंड जो इसका डिजाइन एंड पैटर्न है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता था और ये एक हैवी अनारकली कुर्ती है, तो वो आपको ट्रेंड में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ आपको दुपट्टा मिलता है और ये रेयन फैब्रिक में है और ये कुर्ती भी मुझे काफी लेंथ तक की आ रही है। तो इसमें आपको राउंड नेक मिल जाता है और नेक बिल्कुल भी डीप नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके योक पार्ट में आपको इस तरह का फ्लावर प्रिंट मिल जाता है, ये गोल्डन फॉल प्रिंट है और ये दोनों तरफ ऊपर के पोर्शन में दिया गया है। एंड इसमें आपको मिल जाती है फुल स्लीव्स और स्लीव्स के एंड में आपको कुछ इस तरह का ये देखिए प्रिंट मिल जाता है जो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी सेंटर से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है और ये एक अनारकली कुर्ती है तो इसमें भी आपको कलियां मिल जाएगी। और नीचे की तरफ से आपको ये दो ब्रॉड बॉर्डर मिल जाते हैं, ये दोनों तरफ दिए गए हैं देख सकते हैं। और इसमें आपको अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाते हैं देख सकते हैं। तो नीचे से फ्लेयर की तरफ से भी इस प्रिंट की वजह से ये कुर्ती काफी ज्यादा प्यारी लगती है, काफी ज्यादा एलिगेंट लगती है। और इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है वो है कुछ इस तरह का, ये भी रेयन फैब्रिक में है और इस दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स में आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर मिल जाता है जो सेम इस कुर्ती के फ्लेयर पार्ट में दिया गया था। ये देखिए और ये देखिए कुर्ती का जो प्रिंट है, ये जो कलर है ना, ये मुझे काफी ज्यादा प्यार लगा। ये पहनने के बाद काफी ज्यादा ग्रेसफुल लगती है कुर्ती। एंड ये जो दुपट्टा है 2 मीटर का, बट इसमें आपको अच्छी खासी विड्थ मिल जाती है, तो अगर आप इस दुपट्टे को साइड में लेंगे तो ये छोटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और ये फेस्टिवल एप्रोप्रिएट कलर है और ये कुर्ती भी फेस्टिवल्स में आप आराम से पहन पाएंगे, काफी ज्यादा सुंदर लगेगी। क्योंकि कुर्ती मुझे काफी लेंथ तक की आई, तो इसके नीचे मुझे कोई ना कोई बॉटम जरूर पहननी पड़ी। तो इसके साथ मैंने जो भी मुझे मिली ना उस टाइम पर मैंने वो पहन ली। बाकी आप इसके साथ गोल्डन कलर का कोई स्कर्ट या फिर हैवी शरारा भी पहन सकते हैं फेस्टिवल के टाइम पे, तो ये कुर्ती बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल कुर्ती। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की कुर्ती है, ये काफ्तान स्टाइल में ये कुर्ती है और इस तरह की कुर्ती मैंने फर्स्ट टाइम बाय की है। बाकी आप मुझे बताइएगा ट्रेंड देख के कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। और ये है कुछ इस तरह के लाइट पिंक एंड पीच कलर के कॉम्बिनेशन में और ये इस तरह के जिगजैग पैटर्न के साथ आती है। ये देखिए इस तरह की कुर्ती जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें ना थोड़े से कहीं कहीं धागे निकल हुए हैं, बट ये कट जाएंगे ऐसा कोई खास बात नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मुझे इसमें फिनिशिंग की कमी लगी, बाकी इसका फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस कुर्ती में आपको मिलेगा अच्छी क्वालिटी का कॉटन फैब्रिक और इसमें फ्रंट की तरफ से आपको ये वी शेप में नेकलाइन मिल जाती है, पीछे से बिल्कुल भी डीप नहीं है। तो कुछ इसी तरह की काफ्तान कुर्तियां होती भी है, ये देखिए ये कुछ इस तरह की है। तो आई थिंक ये कुर्ती यहाँ तक या फिर यहाँ तक आने वाली, वो मुझे अभी एक्चुअली पता नहीं है, थोड़ी देर पहले ही आई थी, बट मैं आपके साथ ये जल्दी से होल शेयर करना चाहती थी ताकि अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो सोल्ड आउट होने से पहले आप इसे बाय कर पाए। और ये देखिए इसके वेस्ट एरिया में फ्रंट में सेंटर में आपको इस तरह का पैच मिल जाएगा जिसमें ये फेक फॉल मिरर का भी काम किया गया है एंड सेंटर में ये गोल्डन जरी के धागे से इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो इसकी वजह से ये जो कुर्ती थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो देखते हैं बाकी पहनने पर कैसी लगती है। और नीचे की तरफ से साइड में आपको इसमें एक गोटा पत्ती की डिटेलिंग मिल जाएगी, सिल्वर कलर की गोटा पत्ती की, और साइड में आपको ये स्लिट मिल जाएगी नीचे की तरफ से दोनों तरफ। तो ये कुछ इस तरह की नी लेंथ तक की आई थिंक ये कुर्ती है। इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका फैब्रिक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, हल्की सी फिनिशिंग में कमी है, देखिए धागे निकले हुए कहीं कहीं पे, बट वही है कि ये कट जाएंगे, बट ऐसा भी क्यों, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इनको। ये थी कुछ इस तरह की काफ्तान स्टाइल में कुर्ती, ये आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा।
सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट कुर्ती, और ये कुर्ती नहीं एक कुर्ती ड्रेस है और ये नेवी ब्लू कलर में है। इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे बट आई थिंक वो अवेलेबल नहीं होंगे इस वक्त, बट मुझे ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी पिक में ही, तो मुझे लगा इसे तो मुझे ट्राई करना ही है। तो इसके योक पार्ट में ना आपको कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, ये मशीनी वर्क है। ओके, तो ये येलो रेड एंड व्हाइट कलर के धागे से ये प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी इसके योक पार्ट में आपको मिल जाती है, देखिए कुछ इस तरह से, और नीचे से कुछ इस तरह की ये देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है फ्रंट में, एंड इसमें आपको राउंड नेक मिल जाता है जिसके बीच में हल्का सा वी शेप में कट है और उसमें ये डोरी दी गई है। तो इस तरह का भी जो डिज़ाइन होता है ना नेकलाइन का, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और इसकी जो स्लीव्स है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी। तो ये फुल स्लीव्स दी गई हैं और स्लीव्स के सेंटर में आपको ये प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है दोनों तरफ, और नीचे की तरफ आपको ये इस तरह की गैदरिंग वाला डिज़ाइन मिल जाता है। तो इस तरह का जो बलून काइंड ऑफ डिज़ाइन होता है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है स्लीव्स में, और नीचे की तरफ से इसमें आपको ये देखिए अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाता है, और ये टाई डिटेलिंग के साथ ही कुर्ती आती है देखिए। बाकी नीचे से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है बट इसका फ्लेयर अच्छा खासा दिया गया है ये देखिए। तो ये कुर्ती पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी, इसके साथ आपको बॉटम भी पहनने की जरूरत नहीं है, एंड ये देखिए बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। तो इस कुर्ती को अगर आप विदाउट बॉटम भी पहनना चाहें तो आराम से पहन पाएंगे, एंड इस कुर्ती ड्रेस का फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसमें आपको रेयन फैब्रिक मिल जाता है जो हर सीजन में आप आराम से पहन सकते हैं। तो ये कुर्ती मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, ये मस्ट बाय पीस है, अगर आपको ये स्टॉक में मिल जाती है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा। सारी कुर्तियां और ये साड़ी, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है कि इस चैनल पे चलता है गिव अवे, अगर आपने अभी तक इस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए, और गिव अवे के जितने भी रूल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get notified whenever I upload a new video, and for my new updates आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, my Instagram handle is pink.brownie। so फिर मिलते हैं मैं इसी तरह के interesting video के साथ, till then take care, bye।